Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तो भूल ही गया, ये तुम्हारे लिए पहना भी था। हेलो जी, जी नूर जमान बात कर रहा हूं। क्या हुआ नूर, इज एवरीथिंग ओके? देखो तुम बैठो, मैं थोड़ी देर में आऊं। सर इस वक्त इतनी रात को कहां जा रहे हो? वो मेरा एक दोस्त है, वो अस्पताल में, उसका एक्सीडेंट हो गया। तुम बैठो मैं आता हूं। जब हुआ है कक्के, क्या तमीज नहीं है तुझे डकार मारने की? इस तरह से डकार मारते हैं? तो यार इसमें तमीज की कौन सी बात है, डकार था मार दिया मैंने। और अगर मैं दो मिनट और ना मारता ना तो तेरा यार गया था गिड़दा करके। तो तुझे भी तो रोटी तमीज से खानी चाहिए थी। ऐसे खा रहा था जैसे तेरी जिंदगी की आखिरी रोटी है, देख रहा था मैं अपनी इन आंखों से। बात यह है कि गोश्त इतना सुभान अल्लाह सुरीला था कि मुझसे रहा नहीं गया, मैंने भी टका टका के खाया गोश्त, मजा आ गया गिरदा करके। तू टेंशन ना ले, तेरे लिए भी एक बोटी लेके आया हूं, कहे तो दूं तुझे गिरदा करके। क्यों कैसा है? वो ऐसे डड्डू की तरह के क्या देख रहे हैं? तू भी हिम्मत करता तुझे भी गोश्त मिल जाना सिखा गिरदा करके। और इसके लिए हिम्मत का नहीं जाहिल होना जरूरी है, और मैं तेरी तरह जाहिल नहीं हूं। हां तुझे तो मोहल्ले में प्रोफेसर कहते हैं ना गिरदा करके। ओए खुशी का दिन है, वरना मैं तुझे बता देता कि कैसा है। शाके जी, मलिक साहब जल्दी जाके गाड़ी निकाल। जी पर इस वक्त खैरियत तो है। बकवास बंद कर, जो बोला है वो कर जाके। जी मलिक साहब। मैं जी अभी आता हूं। ओए काके। जी साहब। ओए ड्राइवर से क्या गड्डी कटे?
डॉक्टर साहब, लड़की ठीक तो है, क्या मैं मिल सकता हूँ उससे? हाँ, वो लड़की बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिलहाल आप उससे नहीं मिल सकते क्योंकि वो होश में नहीं है। होश में नहीं है? मुझे बोला गया था कि वो उठ गई। हाँ, उसे होश आ गया था लेकिन बहुत ज्यादा तकलीफ थी, इसलिए हमने कुछ दोबारा बेहोश कर दिया। तो मैं कब मिल सकता हूँ उससे? देख लीजिए, लेकिन वो अभी आईसीयू में, इसलिए बात नहीं कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। हाँ जी मलिक साहब, आप सब खैर तो हैं? कौन है कुड़ी? से पूछते थे ना कि मैं रात को कहां जाता था, तो यहां अस्पताल आता था। तो ठीक है, पर ये लड़की है कौन? हाँ, जो इस लड़की की हालत है ना, वो मेरी वजह से ही है। मेरी वजह से इनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ? पर तू तो माशाल्लाह बड़ा चंगा है, तेरी गड्डी भी ठीक ठाक है। हाँ, मेरी वजह से इनकी गाड़ी जाके ट्रक में लगी। तूने पकड़ा नहीं ड्राइवर को? मैं इस लड़की को संभालता या ट्रक वाले को पकड़ता चाचा जा। तूने मुझे बताया नहीं कि ये है कौन? मुझे क्या पता चाचा जी, ये लड़की कौन? मैं तो खुद इतने दिनों से परेशान हूं और आज भी सोनिया से झूठ बोलकर आया हूं। ऐसे बड़ी शर्म की बात है, कम से कम तुझे मुझे बताना तो चाहिए था, है? मैं खुद होश में कहा था चाचा जी, खुद समझ नहीं आ रही क्या करूं। और वैसे भी एक बात और है चाचा जी, वो आपको मैंने नहीं बताई। इसके साथ एक लड़का भी था, उसकी हालत इससे भी खराब है और वेंटिलेटर पे वो। अभी देखें क्या कह रहा है डॉक्टर। जी डॉक्टर साहब। मलिक साहब, जो बंदा है इसके साथ था उसकी डेथ हो गई है, हम उसे बचा नहीं सके। अब डेड बॉडी में सुन, परेशान ना हो, सुबह हो जाने दे, इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। जान, आज मेरी वजह एक इंसान की मौत हो गई, फिर ऊपर जाके सोनिया को क्या शक्ल दिखाऊंगा? तो मैं कहा ना, फिक्र ना कर, मैं हूं, मैं सब संभाल लूंगा। या सोनिया तेरा इंतजार कर रही होगी, उसको बताने की जरूरत नहीं है, समझा?
और काके सामान रखा दिया है। चाचा जी कहाँ जा रहे हैं आप? पुत्र के लिए इजलास है ना इस्लामाबाद। हाँ लेकिन वो अस्पताल वाला मामला पहले उसे तो। मैं वापस आ जाऊं फिर उसको बैठ के हल करते हैं ठीक है? चाचा जी सुबह का इंतजार करता रहा पूरी रात, मैं सोया भी नहीं उसी तरह। और यार तू पर मैं ये मामला जरा पेचीदा है, इसको आके मुझे खुद बैठ के हल करना पड़ेगा, समझा कि नहीं? अच्छा मेरी बात सुन, जाऊं कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी तूने, मैंने आके खुद देखना है इस मामले को जी। अब मुझे कोई शिकायत ना हो तुझसे याद रख। चल चलता हूँ हैं। अल्लाह हाफिज़। मैडम आप कुछ खा लें। मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे मेरे शौहर तारिक के पास ले चलें। ला मुझे, तुम जाओ। मैडम आप खाएंगी नहीं तो आपकी तबीयत कैसे बेहतर होगी? मेरे शौहर कहाँ है? आपके शौहर ज्यादा जख्मी हैं। अगर शुक्र है आप दोनों की जान बच गई। क्या मैं तारिक को देख सकती हूँ? जी हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ी देर बाद आपको उनसे मिलवा दूंगा। आपका नाम क्या है? मेहरुन्निसा। मैडम आप कुछ खा लेंगी तो बेहतर फील करेंगी, वैसे भी बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई है आपको। जरा लंबी सांस लें। आपको कुछ ना कुछ खिला देगी, आप खा लेंगे तो बेहतर फील करेंगी ठीक है? आइए मलिक साहब, आइए आइए प्लीज बैठे। ठीक है आप जाएं। मलिक साहब मैं आपको फोन करने ही वाला था, डेड बॉडी जा सकते हैं। डॉक्टर साहब मैं कहां लेके जाऊंगा उसे, मैं तो जानता भी नहीं हूं कौन है। मलिक साहब हम डेड बॉडी को ज्यादा देर हॉस्पिटल में नहीं रख सकते, ऊपर जवाब देना होता है। मलिक आफ्ताब की वजह से हमने आपको ये फेवर दिया ना, ये तो सीधा सीधा पुलिस केस था, अगर किसी को पता चल गया तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। जरूरत थी। चले ठीक है मैं बंदोबस्त करता हूँ। वैसे लड़की कौन है? मेहरुन्निसा। हाँ मेहरुन्निसा नाम है उस लड़की का, और मर गया उसका नाम तारिक था, हस्बैंड था उसका। मैं सब चाय वगैरह मंगाऊँ आपके लिए?
मैं डेड बॉडी का कुछ बंदोबस्त करता हूँ।